मेरे प्रिय भाई बहनों और मेरे मित्र गणों, मेरे दोस्त सब जो मेरे इस एपिसोड्स को सुनते हैं, आप सभी को मेरा ग्रीटिंग्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, एक और नया दिन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जो पूरा मकसद, पूरा उद्देश्य परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए आपको और मुझको बनाया है, वो है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए अपने स्वरूप में बनाया है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे मित्रगणों, में विशेष करके एक भजन संहिता आपके सामने पढ़ूंगा और थोड़ी सी टिप्पणी, थोड़ी सी कुछ बातें मैं उसके संबंध में रखूंगा और आशा है कि आपके लिए एक आज दिन भर के लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 96, भजन संहिता उसका 96 अध्याय है और उसका 1-6 पद तक, और उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी सी जहां पर ज़रूरत है और प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है भजन संहिता 96, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ते ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आगे और भी है लेकिन मैं आज के लिए इतना ही पढ़ूंगा। यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है मेरे मित्रगणों और मेरे भाई बहनों कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ। अब गीत कब गाया जाता है? गीत उसी समय गाया जाता है जब कोई इवेंट होता है, जब कोई खुशी का माहौल होता है। हालांकि कई संस्कृति में हम देखते हैं जब बहुत दुख की बात होती है या किसी की मृत्यु होती है, विशेष करके जब मिडल ईस्टर्न में, तो वहाँ दुख भरा गीत गाया जाता है। लेकिन हम दुख भरे गीत गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जय जयकार, आश्चर्य कर्मों का वर्णन और एक्साइटमेंट, खुशी के गीत की बात कर रहे हैं। और यहीं पर लिखा हुआ है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। अब अगले पदों में हम देखते हैं कि भाई हमें क्यों यहोवा के लिए नया गीत गाना है, क्यों उसकी महिमा और स्तुति करना है। पहली बात तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है और उसके बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने मुँह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने पूरे व्यक्तित्व के द्वारा उसकी महिमा करें, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, गीत गाएं, है ना, खुशी के साथ हम वो गीत गाएं। और गीत की तो खैर कमी नहीं है, जैसे कि एक गीत है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। एक और दूसरा गीत है, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। और फिर और भी कई गीत हैं, आपने शायद गाए होंगे, एक दो गीत और मैं आपको बता दूं, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। और उसके बाद हम देखते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। और उसके बाद, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा,
आज तुमको बचाने को ही आया है। जिंदगी किसी किसी की सुनी न सुनी, परंतु यीशु तुम्हें बचाने आया है। तो ये ऐसे गीत हैं मेरे मित्रों, जो हम आनंद के समय, स्तुति के समय ये गीत गा सकते हैं। ढेर सारे हजारों गीत हैं, इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, नेपाली में हैं। आप जो भी भाषा आप करते हैं इस्तेमाल, वो ज़रूर इस्तेमाल करिए। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि दूसरा पद क्या लिखा हुआ है। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अब यहाँ पर जो भजन संहिता का लिखने वाला है, वो ये कहता है, भाई ठीक है गीत तो गाएं, लेकिन किस लिए गाएं? कोई कारण है, कोई विशेष रीज़न है जिसके लिए हम गाएं? जी हाँ, वो फिर कारण भी बताता है। यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को क्या कहो? धन्य कहो। आपने सुना होगा, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, है ना? सो उसके नाम को धन्य कहो। क्यों? दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, इसलिए कि उसने हमारे लिए और आपके लिए उद्धार का काम किया है। यीशु मसीह जो 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी में आए, 30-35 साल तक जिए और फिर लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है कि वो जो क्रूस आपको और मुझको सहनी थी, जो मौत आपको और मुझको सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उद्धार का काम पूरा हो गया। जब उसने कहा ना पूरा हुआ, तो क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम पूरा हुआ और वो मर करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये पूरा टोटल सल्वेशन, पूर्ण उद्धार, न सिर्फ वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो पूरा उद्धार का कार्य, पापों से बचाने का कार्य, पाप की जो पेनल्टी है, जो कर्स है, जो श्राप है, मौत है, वो प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। इसलिए उसका धन्यवाद करो साहब, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। यही बात तो लिखा हुआ है। और फिर उसके शुभ संदेश को दूसरों तक आप सुनाओ। अरे भाई साहब, बहन जी, अंकल आंटी, यीशु मसीह आपके लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसके सुसमाचार को सुनाओ। गीत तो गाओ गाओ, लेकिन उसके साथ साथ हम उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुँचा। आजकल के ज़माने में आप जानते हैं कितना बुरा समाचार हमें मिलता है, हैं? लोग मर रहे हैं, भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है, राजनीति में पता नहीं उठापटक चल रही है, लोग मारा मारी कर रहे हैं, पानी की किल्लत है, हैं? आप जानते हैं आजकल गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही, जगह जगह पानी की किल्लत पड़ रही है, और भाई भाई को नहीं पहचानता, बहन बहन को नहीं पहचानती, मतलब हमारा समाज एक तरह से धीरे धीरे भ्रष्ट होता जा रहा है। और वो इसका कारण ही क्या है? कारण ये है कि वो पाप का जो कर्स है, पाप का जो श्राप है, वो पूरे समाज पर पड़ गया है, पूरे व्यक्तित्व पर पड़ गया है। और यही बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन सबों को दूर करने के लिए अपना प्राण दिया और उद्धार का मार्ग, नया उद्धार का मार्ग उसने दिखाया, है ना? सो उसके उद्धार के लिए धन्यवाद दो और उसके उद्धार का सुसमाचार दूसरों को भी सुनाओ। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, अन्य जातियों में, तीसरा पद जो है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हाँ, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्रगण हैं, अन्य जाति में उसका महिमा का और देश देश के लोगों में उसके प्रचार, उनको हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। जब भी मौका मिलता है, जैसा भी मौका मिलता है, हम दूसरों को उसके बारे में बताएं, सुसमाचार के बारे में बातें बताएं। और जय जयकार के गीत साथ में, जय जयकार के गीत भी गाते रहें। ये सब दोनों साथ साथ चलेगा, क्योंकि भजन संहिता में तो लिखा हुआ है ये बातें।
और फिर लिखा हुआ है चौथा पद में, क्योंकि यहोवा महान है। अब वो महान कैसे है भाई साहब? उसने आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी दिया, हम श्वास ले रहे हैं, हमें खाना पीना मिल रहा है, हमारे को हमारे पास कपड़े हैं, दिन की रोशनी के लिए हमारे पास सूरज बनाया ताकि हम रोशनी में अपना काम करें, रात के अंधेरे में हम आराम से सो सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर सृष्टि उसने बनाई, उसका धन्यवाद करें, महान है ना वो, क्योंकि सृष्टि करता है, हर चीज़ को उसने बनाया। तो इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से भी अधिक भय योग्य है। और पांचवा भवद भी मैं आपके लिए साथ ही पढ़ूंगा, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक और पद पढ़ूंगा, मतलब भाग, भजन संहिता और उसका 115 अध्याय। भजन संहिता 115 अध्याय और उनके कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तीसरा पद से आगे, भजन संहिता 115 तीन पद, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है, उन लोगों की मूर्तें और सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं, उनके मुंह तो हैं परंतु वे बोल नहीं सकती। बिल्कुल साफ है साहब, आप देखिए जितने भी मूर्तें हैं, मुंह तो बना है लेकिन आवाज़ नहीं निकलता है, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकते। कितनी बार मूर्तियों की चोरी हो गई, आंख नहीं है क्योंकि वो आंख बनाई गई है मूर्ति में, लोगों ने बना दिया मूर्ति, आंख सच में नहीं है तो लोगों ने मूर्ति को चुरा के ले गए, उनकी आंखें तो रहती परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनकी नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ भी नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द या आवाज़ नहीं निकाल सकते। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आप जानते हैं जो अन्य मूर्तियों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के, क्या है जीवन उनका? जीवन नहीं है, मृतक है, पाप में गिरे हुए हैं। और इसीलिए आपको और मुझको जो यहोवा जीवित परमेश्वर है, जिसका जो हमारे लिए सब कुछ करता है, वो मूर्त नहीं है, वो आत्मा है। लिखा हुआ है यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। नवा पद में लिखा है, हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरा ढाल क्या है? वही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर भजन संहिता में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर जो जीवित है वो आपके लिए और मेरे लिए कार्य करता है। अब हम वापस आएंगे भजन संहिता 96 में और वही पदों को पढ़ेंगे। पांचवा पद में लिखा हुआ है, चार पद से पांचवा पद, क्योंकि यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। सो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, यहाँ पर बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप और मैं, हम सब मिल करके यहोवा का जय जयकार करें। आशा है कि आप संडे को, इतवार को चर्च गए होंगे, कलीसिया गए होंगे अपने अपने, वहाँ पर प्रभु परमेश्वर की आराधना की होगी, हाथ उठा करके धन्यवाद के साथ, गवाही दे करके, वचन सुन करके,
और इसीलिए तो हम लोग जिंदा है, ताकि हम अपने जीवित रहते हुए हम जीवित परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। क्यों? क्योंकि उसने हमें आशीषें दिया है, हमें हर प्रकार की जो ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना। और दूसरे जो लोग हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं वो तो बिल्कुल मृतक हैं, हैं? और जैसे मैंने कहा, बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, हाथ की बनाई हुई मूर्तें हैं, क्या बोलते हैं, पीतल की बनाई हुई हैं, मिट्टी के बनाए हुए हैं, वो क्या बोल सकते हैं, क्या देख सकते हैं, कुछ नहीं, वो तो हाथ की कारीगरी है साहब, उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। इसीलिए हमें यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसकी आराधना करना है, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आना है, तभी तो बात बनती है ना। और यही बात यहाँ पर भजन संहिता और उसके 96 अध्याय में हम देखते हैं। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ, यहोवा के लिए गीत गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ संदेश, शुभ समाचार हम दूसरों को सुनाने वाले हो सकें। अगर हम दूसरों को नहीं सुनाएंगे तो ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि कितने लोग नरक की ओर जाएंगे। कितनी अच्छी बात है जब हम ये सुसमाचार दूसरों को सुनाते हैं। मैं कहीं कई जगह पर जा करके लोगों को प्रभु के बारे में बताता हूँ, भाई साहब बहन जी सुनिए, टाइम बहुत निकल चुका है, इससे पहले कि मौत आए आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें, अटूट विश्वास, जीवित विश्वास, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार आप दूसरों को सुनाते रहें। और परमेश्वर यही चाहता है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का वर्णन करें। आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, या पैदल जाते हैं, आपके दोस्त यार, परचून की दुकान, मेडिकल शॉप, आपको दूध देने वाला, पेपर वाला, जिनके साथ आपका संपर्क होता है, उनको बताइए, कम से कम एक बार तो बताइए साहब कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, है, उसने अपनी जान दे दी, अब आपको उस पर विश्वास लाना है। यदि अनंत जीवन आपको पाना है, यदि पापों की क्षमा पानी है, तो प्रभु पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उसके बलिदान पर विश्वास करिए, उसके जी उठने पर विश्वास करिए। आप कम से कम अपने जो लोग हैं आपके चारों तरफ, हो सकता है आपके सगे संबंधी भी हों जो अभी तक अविश्वासी हैं या प्रभु पर विश्वास नहीं लाते, कम से कम एक बार तो आप ज़रूर उनको बताएं, तो अन्य जातियों में उनका आप प्रचार करें। क्योंकि यहोवा कौन है? महान है। यहोवा कौन है? महान है और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सब देवताओं से भी अधिक भय योग्य है। ये वो वाला भय नहीं, डरने वाला, अरे बाप रे, अरे भागो भागो भागो, वो वाला डर नहीं है, ये वो वाला आदर वाला डर है, आदर वाला भय। उदाहरण के रूप में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे हमारे कॉलोनी में आते, हमारे शहर में आते, और अगर हमारे घर में आते, जो कि बहुत नामुमकिन है, तो क्या करते हम? पूरा भाई साहब साफ सफाई करते हैं और खूब झड़ियाँ लगाते और स्वागतम लिखते, और जब वो आएंगे हमारे घर तो हम थोड़ी बोलेंगे और प्रधानमंत्री जी कैसे हो, ऐसे तो हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नमस्कार श्रीमान प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है, और बड़े भय के साथ, आदर के भय के साथ, वो वाला हम उनका वेलकम करेंगे, आदर सत्कार देंगे। वो उस प्रकार का भय की बात यहाँ पर हो रही कि आइए हम महामहिम परमेश्वर यहोवा, उसकी आराधना परमेश्वर के भय में हो करके उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें, उसका गीत गाए। क्योंकि क्या लिखा हुआ है 5वें पद में, वही 96 का,
देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने किसको बनाया है? स्वर्ग को बनाया साहब, स्वर्ग। अब पृथ्वी को ही देख लीजिए आप, कितनी सुंदर है, हैं? चिड़ियाँ सवेरे सवेरे चुई 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 करती रहती हैं, हैं? और सृष्टि हमारे बाहर देखिए, बड़े अच्छे फूल पौधे लगे हुए हैं, हैं? और चारों तरफ बड़ा सुंदर सा एक सृष्टि है, पहाड़ हैं, हैं? और फसल भी उग रही है, हरा हरा, क्या वंडरफुल क्रिएशन सृष्टि। ये तो सिर्फ पृथ्वी है, स्वर्ग का क्या सुंदरता होगा? अरे साहब, उसकी तो हम बखान भी नहीं कर सकते। इतना सुंदर परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, तो हम उसकी स्तुति करें। हम जाएंगे उस स्वर्ग में, जब हमारी मौत होगी, शारीरिक मौत होगी, हम स्वर्ग के निवासी होंगे और हम स्वर्ग जाएंगे। वहाँ पर अरे हर समय दौड़ते हुए, उछलते हुए, कूदते हुए परमेश्वर की ऐसी स्थिति होगी, महिमा होगी, जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए लिखा हुआ है, यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुलो, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो, और यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लाकर लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। कितना सुंदर लिखा हुआ है, पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी आराधना करो। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सबों को बनाया, लेकिन पाप की वजह से कुछ लोग दूर हैं, लेकिन आप जो विश्वासी हैं, आप जिनके पाप धुले हैं, वो हाथ उठा करके या जैसे भी स्वर की ओर देख करके गुणवाद कर सकते, मन में बोल करके, प्रार्थना के द्वारा, गानों के द्वारा, है ना, कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सो आइए, लेट अस वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, पवित्रता में शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करें। आमीन।